नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तो मेरी आत्मा की पुकार है प्रिया। ये शरीर भले ही मिट जाए मगर मेरी आत्मा की आवाज वो हमेशा हमेशा तुम्हारे गिर्द गूंजती रहेगी। बहुत देखे पुकारने वाले, जरूर देखे होंगे मगर मुझसे नहीं देखा होगा। और देखना चाहती भी नहीं, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। हो सकता है नफरत तो मेरी सूरत से है, मेरे प्यार से तुम्हें। प्रिया बस एक बार इतना कह दो संजय मुझे तुमसे प्यार है, उसके बदले में मेरी जान ले लो। ओहो, तो आप मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं? आजमा के देखिए। तो मर के दिखाइए। दिखाता हूं मगर एक बात, मेरी याद में सिर्फ एक आंसू गिरा देना। एक? मैं तो हजार गिरा दूंगी, जरा मर के तो दिखाइए। देखिए जा रहा हूं, दिल में एक याद लिए, होंठों पे एक फरियाद लिए। बाय बाय। संजय, तुमने क्या किया? मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करती थी और करती रहूंगी। अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लो, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या हुआ, डर क्यों गई? तुमने देखा नहीं, मौत जा रही है। मौत अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती प्रिया, हम दोनों स्वर्ग में हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे।
जालिम के बच्चे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाय हाय, क्या सुंदर सपना देख रहा था, क्या खूबसूरत लड़की, क्या आंखें, हंसते हुए कमल, एक मुकम्मल हुस्न, एक रूप का सागर। बस आंखों ने आंखों से कुछ कहा ही था, अंग से अंग छुए के छुए ही थे के प्यारे हनुमान सिंह, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। अबे उल्लू की तुम, तुम्हारे जैसे यारों के लिए चिता गाले फरमा गए हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? ओहो, आई सी। जी हाँ, तो हम आपके दुश्मन ठहरे? हाँ। तो फिर अपने मित्रों के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि नंबर वन मोटू मल मैकेनिक, तुम्हारी जीप का फैमिली डॉक्टर, नंबर टू इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा लाला बचन। हनुमान सिंह मारे गए। मारे गए? वो जो देवियां कल पैसे देने वाली थी उसका क्या हुआ? वो आज देंगी। लेकिन आज मोटू मल नहीं मानेगा। अब तुम भागो बेटा, तुम्हारा ससुर आता ही होगा। प्यारे हनुमान सिंह, तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है। मुझ जैसे अनाथ को तेरे जैसा दोस्त मिला, मेरा तो सब कुछ तू ही है दोस्त। मेरी माँ, मेरा बाप, भाई, बहन, बीवी। बीवी? नो नो नो, व्हाट यू मीन? नेवर नेवर। तूने आज तक मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? मैंने जो कुछ भी मांगा तुमने अपनी खुशी से मुझे दे दिया। और मेरे दोस्त, मुझे आज भी यकीन है कि मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगे। समझ गया, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। बे गुलठासन के गुटनों, पैसे की कौन बात कर रहा है? तो और क्या बात कर रहे हो? मैं तो अपने स्लीपिंग सूट की बात कर रहा हूँ, जिसे मैं उतारूंगा और तू लॉन्ड्री में दे देगा। मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। क्या मामा जी? मामा जी, मामा जी तो नहीं आया? मैंने तो जो आपने बोला ना मामा जी का दान पूजा का सामान, वो लेके आया। मामा जी का बच्चा डरा दिया मुझे। मैं कोई डरता हूँ मामा जी से? जाओ जाके मेरा बिस्तर ठीक कराओ। मामा गया? अरे मेरा मामा तो आया ही नहीं। हा? अब तेरा मोटा मामा आने वाला है, जल्दी से यहाँ से खसको नहीं तो जूते पड़ेंगे। जाता हूँ कोट पहना जरा, कोट पहना। शाबाश, मैं आपका नौकर। हाय दोस्त तो है ना मेरा, सूट लॉन्ड्री में भेजना है। अरे जाजा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे कच्चा माला। संजय टूरिस्ट गाइड। जाएगा कहाँ, पैसे लेकर ही छोड़ेंगे, उसने क्या समझ रखा है हमें? कहाँ चले? ओ मुठलाल जी, राम राम। पैसे? हा? पैसे। ओ पहलवान जी, आप भी साथ हैं? जय बजरंग बले की। पैसे पैसे पैसे। आज मौसम बहुत अच्छा है सेठ, लेकिन आज दिन बहुत खराब है। अगर आज पैसे न मिले तो ये जीप जाती रहेगी, समझे? जीप जाती रहेगी? हाँ। मगर सेठ, जीप कैसे जाती रहेगी, नोटों की बारिश हो रही। कहाँ? अरे पानी की बारिश बाहर होती है, नोटों की बारिश अंदर होती है। आओ चलो। ओ कच्चा मलाई सुन को तारा खुशी जोड़ा। दरअसल इस दफा क्या सीजन लगा है और क्या क्या टूरिस्ट आए हैं। नेवर बिफोर कभी। सेठ बैठो ना। अरे तशरीफ रखो सेठ। गौरंग गौरंग भैया, लॉन्ड्री में सब कपड़े अर्जेंट देना है। क्या बॉडी है। अरे सेठ,
असली घी की मिठाई खाओ। अपने दोस्त हनुमान की मंगनी हुई है ना, बस दोस्तों में मिठाई बांट रहा हूँ। मिठाई नहीं चाहिए, पैसे। पैसे भी देता हूँ सेठ। आता हूँ। अच्छा हनुमान। ओ हनुमान, क्या है? अरे भाई, अपने सेठ साहब आए हैं। देखो इनका पूरा बिल चुकता कर दो, 350 रुपए। हाँ, पूरे का पूरा ही दे दो ना यार। ये गधा अभी तक गया नहीं, इसे स्लीपिंग सूट की पड़ी है। मालूम पड़ता है ये सीजन तुम दोनों के लिए अच्छा है। नेवर बिफोर पापे। कमाई हो रही है, मंगनी भी हो गई है, शहनाइयां भी बजेंगी। ये सेठ, शादी में शहनाइयां नहीं बजेंगी तो क्या जनाजे में बजेंगी? तो बस अब लगे हाथ तुम भी चक्कर चला ही दो। अरे तुम तो यानी आशीर्वाद होने वाली बहु इंतजार कर रही है। अरे सेठ, आप तुम यहाँ वसूली करो, मैं जरा अपनी वसूली पे जाता हूँ। जरूर करके। अरे जल्दी वैसे लड़का अच्छा है। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक, मुबारक हो। क्या लड्डू है, बस बहू भी ऐसे ही मीठी स्वभाव वाली आएगी। बहू? किसी बहू? तुम्हारी मंगनी हुई ना। मंगनी? मेरी? किसके साथ? वो चक्कर दे गया चक्कर। पैसे? पैसे किसके पैसे? मेरे पैसे। पैसे? हाँ देता हूँ, देता हूँ। यानी का वक्त है, 9:30 बज गए। जवाब दो। हाँ हाँ, जवाब दो। खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? अरे मैम साहब, सवाल हो तो जवाब दूं। मेरा सवाल कहाँ है? सवाल? अरे समझती नहीं, प्रिया के लिए पूछ रहा है। हाय हाय हाय, छा गए भाई, अकल हो तो ऐसी हो। हाय हाय हाय, चप्पल हो तो ऐसी हो। आपकी नहीं, उनकी। खाओगे? खिलाओगी? क्यों नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैंने कहा था ना, सवाल आएगा जवाब मिल जाएगा। कैसा सवाल, कैसा जवाब? मेरा मतलब सवाल आप, जवाब मैं। क्या? जी नहीं, सवाल मैं, जवाब आप। जल्दी करो, चलो चलो, दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया। अरे दुश्मन हो गया, जल्दी करो। अरे देखो वो है, जाने ना, पाइप पकड़ लो। हमें वो फिर चक्कर देके चला गया। बच्चन सिंह वो किधर गया है? मेम साहब लोग, मेरी बात तो सुनो। अजी मेम साहब, आपकी जान के साथ तो मेरी जान भी अटकी है। आपने देखा नहीं वो मोटा किस तरह मेरे पीछे भाग रहा था? लेकिन क्यों पीछा कर रहा था, किस लिए? बस यूं ही सुबह। ससुर? यानी आपके ससुर? जी। ओह, आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो आपका ससुरा कैसे हुआ? ससुरा हुआ नहीं मेम साहब, हुआ चाहता है, अपनी काली कलोटी फंसा लगी जबरदस्ती मेरी शादी करना चाहता है। ओह, इसमें क्या हुआ, आप साफ इनकार
कर दीजिए। इनकार? हाँ। राम राम राम, कितना बड़ा गुंडा है वो आप नहीं जानती। चाकू दिखाकर उसने हाँ करवाई है। अगर मैंने इनकार किया तो चाकू चल ही जाएगा। ये तो सरासर बेइंसाफी है। हाँ? जी हाँ, बिल्कुल है, मजबूरी है, क्या करूँ। 100 जूते लगाने चाहिए उसे। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, लगाने चाहिए 100 जूते। लेकिन मेम साहब गरीब आदमी हूँ, आजकल गवर्नमेंट ने जूतों का भाव बढ़ा दिया, कहाँ से लाऊंगा। सोचता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मिलाएगी, अपने आप को उसके हवाले करी दूँ। ओह पुअर मैन। अच्छा सुनिए, देखिए आप हिम्मत मत हारिए, आखिर हम लोग जो है आपके साथ। आप और मेरे साथ, तो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आजकल की मतलबी दुनिया में आप मेरा साथ देंगी। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, मेरी जीप का रिवर्स गियर नहीं लगता। हाँ? आप सब मिलकर पीछे धक्का लगा देंगी। ओ! प्लीज, प्लीज, प्लीज। अच्छा चलो बाबा चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल के पास है इतनी तुझे अपना। हाय 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 हाय, प्यारे हनुमान सिंह आज मजा आ गया। अरे अब तो ऐसा लगता है कि दिल न मेरा है न तेरा है, उसका है उसका है उसका है। अबे चक्रम, तुझे सांप सूंघ गया क्या, मेरी तरफ तो देख। ओ तो सरकार को 10 रुपए का गुस्सा है। अबे साले, तेरे मेरे में को पहली दफा हुआ है, अब गुस्सा थूक दे यार। और ये बता, उस मोटू को क्या चक्कर दिया तूने जो फट दन के मेरे पीछे पहुंच गया। मगर जान मेरी, उसके चक्कर से अपना चक्कर चल गया। बस पूछ मत, कभी वो मेरी गोद में, कभी मैं उसकी गोद में, कभी वो मेरी गोद में, कभी मैं उसकी गोद में। नेवर बिफोर पापे एंड नेवर बिफोर लाइसेंस पापे। हनुमान ये क्या हुआ, किसने की तुम्हारी ये हालत। मोटर ने, मोटर ने। तू घबरा मत, मैं इसका बदला लूंगा। अरे बदला लेगा, पैसे लाया। नहीं यार। मांगे नहीं। क्यों, क्या बताऊं दोस्त, आज इश्क ने फिर जुबान बंद कर दी। अरे आज दुकान बंद कर दी है, कल दुकान बंद हो जाएगी, जब मोटा आके जीप ले जाएगा। जीप ले जाएगा हनुमान, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, मैं जीप गोल कर दूंगा। तो कैसे गोल करोगे। हाँ। अरे अरे अरे, मुझे अकेला छोड़ के बचाओ, वो मोटा मारेगा, वो मुझे भी गोल करो। मैं रात भर आपके बारे में सोचती रही। अच्छा, मैं भी। आपको मिला मोटा? जी हाँ, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे दोस्त हनुमान को मार के जा रहे थे। कहा, मैं उनके पीछे भागा, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। फिर मैं पलटा, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। मतलब ये कि 10 गुंडे साथ आए थे और आप डर के भाग गए। अरे मेम साहब, अगर डर के भागता नहीं तो आज आपके दर्शन कैसे होते। बस आज मिल जाएंगे ये साले को, चुगराफिया बिगाड़ दूंगा। भगवान करे मिल जाए। भगवान ने आपकी सुन ली। नहीं पुलिस लेके आता हूँ। अरे बगैर जल्दी, अब पुलिस को बुलाता है। अरे बच्चन सिंह जल्दी कर, आज भागने ना पाए। हाँ जल्दी जल्दी कर। अब पता चलेगा जब हथकड़ियां पड़ेंगी। हथकड़ियां क्यों? एक सीधे साधे आदमी को तंग करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? पहाड़ी से कूद पड़ो दोनों बाप और बेटी। बेटी? हाँ, जिसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते हो संजय के साथ, लेकिन अब हिंदुस्तान आजाद हो गया है, समझे? वो तो मैं जानता हूँ, मगर कौन सी शादी, कौन सी बेटी? तुम्हारी बेटी। अजी मैं तो 100% कुंवारा हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। भगवान कसम। तुम लोगों से कहा था ना किसी बूढ़े को गाइड रख लो। रानी जी, जब तीर्थ यात्रा पे जाओगी तो किसी बुढ़े को रख लेना। दार्जिलिंग यहाँ से कितनी दूर है बाबा? जितनी दूर तेरा ससुराल। मेरा के तेरा? काश हमारा होता। हाय, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली
बुरी नजर डाली। छोड़ना, तुझे तो मजाक सूझ रहा है और यहाँ भूख के मारे दम निकला जा रहा है। अरे वो आ गया। Come on, come on, let's go. चलो। Come on, girls. तो फिर खा लो पी लो जवानी के दिन खा लो। मैंने कहा जी आप भी कुछ खा लो जी। बिल्कुल नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला? आपके लिए जी। हमारे लिए? सबके लिए नहीं जी, आपके लिए जी। मेरे लिए? जी वो आपसे मुलाकात हुई, कुछ अजीब सी बात हुई, फिर जीप अपनी खराब हुई, तबीयत साफ हुई, मोटे से मिन्नत की, थोड़ी सी हिम्मत की, जीप उसने तैयार की, पैसे की तकरार की और हमने यार मार की, सब आपकी खातिर जी। बकवास। ओए होए, अजी सुनिए तो। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको, बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। खिलौना जान कर हम दम, मेरे दिल को न तोड़ो तुम, खिलौना जान कर हम दम, मेरे दिल को न तोड़ो तुम, मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला अब न छोड़ो तुम, मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला अब न छोड़ो तुम। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है, मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है, तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है, तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा। चल दिए, शरारती कहीं थी। लेकिन मैं सब सुन चुका हूं, 300 रुपए एडवांस चाहिए उस लोफर संजय का उधार चुकाने के लिए, मैं एक पाई नहीं दूंगा। क्या बिक्री किया सुबह से? और
अब बोलता क्यों नहीं क्या बिक्री किया है? बच्चे का कमोड बेचा है। अभी पिछले महीने बच्चे का कमोड बेचा। अरे आज कुछ बेच, आज कमोड से बड़ी चीज। देख अगर मैंने फिर तुझे स्लोपर संजय के साथ देखा तो टांगे तोड़ दूंगा दोनों की। गेट आउट। टांगे तोड़ दूंगा भांजा बाबू। बकवास, टांगे तोड़ दूंगा कहा? कहा कस्टमर कहा है? अरे कहा किधर है? कहा है किधर है? फोन 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 फोन। अरे ग्राहक, अरे तू भाग यहाँ से, आज मामा कंस के अवतार में है। अरे मामा कंस के अवतार में है तो मैं किशन के अवतार में हूँ। पैसे दे। पैसे? अरे बेटे आज हरी कीर्तन करो वरना दोनों की टांगे टूट जाएंगी। जा जा। ए, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। ओ कस्टमर, बच गई टांगे। टांगों पे जाना। गुड मॉर्निंग मामा जी। मेरा मतलब है माँ जी, सेवा? मुझे अलमारी चाहिए अच्छी सी। सच? आप खरीदेंगी? नहीं तो क्या, दाम पूछने आई हूँ? एक बार नहीं हजार बार पूछिए, दुकान आपकी है। कोई चीज पसंद आए तो शौक से खरीदिए, ना पसंद आए तो तशरीफ आवरी का शुक्रिया। इधर आइए, ये अलमारी खास कश्मीरी देवदार की बनी हुई है, मुलाजा फरमाइए। मगर आपके मतलब की नहीं। ये पाकिस्तान की लकड़ी, अमेरिका की फिटिंग, बाहर से शोदार अंदर से बिल्कुल बेकार। और ये? आय हाय 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 हाय, नेवर बिफोर मैडम, आपकी आंख जौहरी की है, टेस्ट राजे रानियों का है। जरा करीब से देखिए, बनाने वाले का कमाल, अलमारी बेमिसाल। राजा साहब ने इसे देखते ही कहा था ये अलमारी नहीं लकड़ी का ताजमहल। राजा साहब? हाँ जी हाँ, वो राजा साहब। आप वो टांगनगर। तो ये बिकने के लिए नहीं? जी नहीं, आई एम वेरी सॉरी। टूट गई तो ये। मगर आप घबराइए नहीं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मेरी नौकरी भले ही चली जाए मगर ये अलमारी आप ही के घर जाएगी। ओह थैंक यू। पर कीमत? जी कीमत वो राजा साहब ने 1000 रुपए मुकर्रर की थी। ओह टू मच। मगर आप घबराइए नहीं, 1000 रुपए राजा साहब के लिए, आपके लिए 20% रिबेट, 10% माई पर्सनल कमीशन कट, सिर्फ 700 रुपए, कौड़ियों के दाम, कौड़ियों के दाम। ठीक है, मैंने खरीद ली। थैंक यू वेरी मच। बच गई टांगे। छोकरा, मैडम को सेठ जी के पास ले जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, पेमेंट उधर, डिलीवरी इधर। थैंक यू। विल यू काइंडली इधर। एडवांस? एडवांस नहीं जी, मैं सारे पैसे दे रही हूँ। थैंक यू मैडम। आप ऐसे सेल्समैन कहाँ से लाते हैं? क्यों, क्या हुआ? अलमारी। अलमारी बहुत ही सुंदर है। इतनी? जी मामा जी। कहाँ भिजवानी होगी? गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल? पहले आपको कभी नहीं देखा। मैं नहीं हूँ, इसी चीज में आई हूँ। आओ भाग्य हमारी, ये लीजिए चेक। 700 रुपए? क्या मैं देख सकता हूँ आपने कौन सी अलमारी खरीदी है? आपके सेल्समैन का कोई कसूर नहीं, मैंने ही जिद की। भाग, मामा आ रहा है। मामा खबरा है। कहीं छिप। ये अलमारी, वाह क्या पसंद है। एक ऊपर ये अलमारी का 200 फायदा था। लीजिए मैडम, अलमारी आपकी। थैंक यू। शाबाश हनुमान, आते बैठे नहीं सर। हनुमान बेटे, तेरी शक्ल मेरी बहन से कितनी मिलती। आज पता चला कि तेरी रगों में खानदानी खून दौड़ रहा है। बेटा ये ना समझना कि मामा पत्थर दिल है। ये ले देख, ये चेक बैंक में डाल दिया। थैंक यू मामा जी। बच गई टांगे। मिल गए 300 रुपए। संजय, ए संजय, ए संजय, नन्नो मर गए। अरे अलमारी वापस लाओ। अरे अलमारी लाओ। अरे गाड़ी रोको, अलमारी वापस लाओ। तुम्हारे लिए अलमारी ले आई। हैप्पी? ओ मैडम, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्वीट। चलो प्रिया, वो कैंटीन में खाना खाने का प्रोग्राम है ना? बिल्कुल, मैं 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हम दो मिनट।
यहाँ कैसे? संजोग की बात है मेम साहब, ऊपर वाला जानता है मैं बेकसूर हूँ। बड़े भोले बनते हो, मुझे बदनाम करके बहुत खुशी होती है ना? जी नहीं, यकीन मानिए ये सब अचानक हो गया है। कहाँ है वो औरत? कहाँ है? कहाँ है वो बुढ़िया? कहाँ है वो धोखेबाज औरत? कहाँ है? कहाँ क्या शोर मचा रहा है? ओ, तो तू यहाँ छिपी है? ये देख क्या है? नकली चेक, तेरे पापों का घड़ा भर गया है नादान बुढ़िया। गलत, ये चेक असली है। बहाने ना बना, मैं अभी अभी बैंक से होकर आ रहा हूँ। अच्छा हुआ कि सरकार ने औरतों के लिए भी जेल बनवाई है, नहीं तो आज तू सूखी निकल जाती। सूखी निकल जाती। चलो अलमारी ले आए। चलो चलो रास्ता किधर? इधर, गेट आउट। चलो खैरो, जल्दी करो, हरिया जल्दी करो, जल्दी करो, कहीं छुप जा, पीछे आओ, जल्दी आओ, खोलो दरवाजा, खोलो, दरवाजा खोलो। ये रही अलमारी, ले चलो। अरे नकली चेक पर अलमारियां नहीं मिलती। खबरदार, मर्दों को हाथ लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लेकिन इसमें मेरे कपड़े और जेवर हैं। वो सब अदालत में वसूल करना। जल्दी करो, बैठो। हेलो, आपके आदमी ने हॉस्टल में हंगामा कर दिया और चेक को नकली बनाकर मेरी इंसल्ट की है। और अलमारी, आप उसे रोकिए। और अलमारी ले गया है, उसने मेरे कपड़े दिए। आप उसे रोकिए वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस। ठहरो ठहरो, गाड़ी रोको, आराम से। ए, क्या करते हो? गिराते हो मुझे? ओके नाउ तुम लोग जाओ, जाके जी अभी हो। शाबाश, जरा देर से आना, मेरे लिए एक सुंतला ले आना। अच्छा भांजा बाबू, वेरी गुड, जाओ जाओ, शाबाश। ताला तो खोल। चार कप चार दिनों से भेज लो। छिड़ो। अबे सज्जा के बच्चे, तेरे लिए इतना बड़ा ड्रामा करना पड़ा, चल खाली कर अलमारी। अबे ताला तो खोल। अबे अलमारी खाली कर, हरी अब खाली करो। खाली करके बच्चे, चोर कमीने, ग्राहक के माल पर भी नजर है मेरी। उधर नीचे टूट गई टांगे। मामा के बच्चे, अभी बनाता हूँ तेरा पजामा। कपड़ा लायो? कपड़ा ही नहीं, साथ गज भी लाया हूँ। मांगने में सबसे पहले, निकालने में सबसे पीछे। अच्छा हुआ आपने अलमारी रोकी। कौन है? मैं दुकान का मालिक हूँ। ये लीजिए पैसे, मैडम ने भेजे हैं। मैं अलमारी ले जाऊँ? शौक से अरे हनुमान, ये अलमारी सीधी तरह से पहुँचा दे, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, अलमारी मैं ले जाऊंगी। तेरा चलना जरूरी है, कीमती सामान की वजह से। फिर लगे हाथ मैडम से माफी भी मांग लूंगा, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। संभल के, संभल के। आपको मैडम से नहीं मिलना? आप मैडम से जाके कह दीजिए कि मैं आया हूँ, मैं जब तक अलमारी रखवाता हूँ। ओहो, अलमारी मैं रखवा दूंगी। क्या जादू है ये अंदर का? अरे मैया, माता जी, देवी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं जैसा भी बंदर हूँ आप ही का हूँ, मुझे क्षमा करो। आई बेग योर पार्डन। उठो मेरे बच्चे। धन्यवाद माता जी। सुनिए, आप कितने जतन से लाई है मुझे यहाँ, मुझे प्लीज बाहर निकालिए वरना मेरा दम घुट जाएगा। अच्छा है, घुट जाने दो। अपना क्या है, अपनी लाश की तो फोटो भी छप जाएगी अखबार में। मेम साहब, बदनामी आपकी होगी। चाबी, मैं एक मिनट में आ रहा। चाबी तो आप ही के पास रह गई है, मुझे दे दीजिए। चाबी मेरे पास मिली नहीं तो
ओह, शायद मैडम की ऑफिस में रह गई है। आप चकर ले आइए ना। नहीं, आप जाइए। नहीं, आप लाइए। आप मुझे ना क्या? प्लीज आप बाहर रहिए, अलमारी मैं खोलता हूँ। What? मैं बाहर रहूँ? अलमारी मेरी है, मुझे चाबी दो। भगवान, आज बचा ले उसे। वही जो अंदर है। आपको कैसे मालूम? देखिए, आप मेरी बहन के बराबर हैं। मुझे अलमारी खोलने दीजिए। क्यों? नहीं तो वो गरीब मर जाएगा। अजय, अजय, बाहर। अजय, अरे, अरे, अजय, अरे, ये तो मर गया। अरे, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी तब तोड़ गया। आखिर तो खोल। मैं जान दे के भी तेरी जीत छुड़ा लूंगा, तुझे तेरी प्रिया से मिला दूंगा। आगे तो खोल। चोर, अरे मरते मरते नहीं जेब काट के मरेगा। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद है? चाबी टेढ़ी हो गई है, अलमारी नहीं खुलती। समय नहीं खुलेगी। ठीक तो है। थैंक यू। नाउ यू गेट आउट, गेट आउट। प्रिया, चलो उसे बाहर निकालें। प्रिया, ओ, तो आप ही हैं प्रिया? तो फिर खतरे की कोई बात नहीं, अलमारी ठीक जगह पहुंच। चलो जल्दी निकल जाओ, जो बंदर का बच्चा। बंदर? ओ, अंदर। गुड लक सिस्टर। चलो भैया। कौन है? क्या है? ओफो, ये मेम साहब तो अभी तक तैयार ही नहीं। मुझे नहीं जाना। अच्छा, नहीं जाना? गर्ल, वन टू लिप। अरे भाई सुनो तो, मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कल दो बार नहा लेना। अच्छा, मुझे कपड़े तो बदलने दो। ओके गर्ल, चलो। वेरी फनी, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। देखो मुझे तैयार होने दो, तुम लोग जरा बाहर ठहर चलो। अरे हमसे कैसी शर्म, हमने तो तुझे गोद खिलाया है, जल्दी करना। वो होता तो झट तैयार हो जाता। कौन? प्रिया का गाइड संजय। कुछ भी कहो, वो था शरीफ। शरीफ तो लगेगा ही डरनी, अब तक पैसे जो ना मांगे और आगे भी ना मांगेगा। अच्छा हुआ लफंगे से छुटकारा हुआ। चलो चलिए। कौन है? दरवाजा, दरवाजा तो खुला है, वो बराबर वाला कमरा होगा। चलो। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। क्या मतलब? चलो ना, ये लो, मैं तो अपना रुमाल ही भूल आई। अच्छा तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। जल्दी करना। हे, अलमारी खुली है, दरवाजा भी खुला है, नाउ प्लीज गेट आउट। लो, फिर दरवाजा खुला छोड़ गई, हवा में नाचती हैं। न जाने इन लड़कियों को क्या हो गया है। मैं कहाँ करूँ राम, मैं कहाँ फंस गया। चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।
नौकरानी ने दरवाजा बंद कर दिया। आपकी नौकरानी है। झूठे कहेंगे। Come on, get out, out। दरवाजे तक पहुंचा दीजिए। चलिए। आज तो अपने भी होश उड़ गए। शंकरलाल लालाजी के नाम पर तुम दोनों भाई कलंक हो, कलंक। शंकरलाल जी, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये सब आपकी के करतूत है। झूठ, सरासर झूठ। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, झूठा केस बनाया जा रहा है। इंस्पेक्टर, फैसला अदालत करेगी मिस्टर शंकरलाल। चलिए गंगोली बाबू, चलिए। तुम्हारा तार मेरे लिए। मुझे आज ही कलकत्ता जाना होगा, डैडी ने फौरन बुलाया है। मैं जानती हूँ तुम्हारे डैडी तकलीफ में हैं, लेकिन आज पहुँचना मुश्किल है। बाग डोगरा से प्लेन पकड़ूं तो? प्लेन 2 घंटे में उड़ जाएगा, और यहाँ से बाग डोगरा एयरपोर्ट कम से कम 2.5 घंटे का रास्ता है। कोई बस, कोई टैक्सी? मैंने कहा ना, वक्त बहुत कम है। लेकिन प्रिय, वक्त बहुत कम है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ओ संजय प्लीज, कुछ भी करो, मुझे आज ही कलकत्ता पहुंचना होगा। पिताजी न जाने किस मुसीबत में फंस गए हैं। काश आज मेरे पास मेरी जीप होती। अरे ठहरो, आइडिया। जीप कैसे नहीं है? जीप तो है। कौन सी जीप? मेरे मामा की जीप।
मगर याद तेरा मामा जीप देगा? अरे कैसे नहीं देगा, तुम जाके कपड़े चेंज करो, मैं जीप लेके आता हूँ, मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। Miss Priya, Mr. Taylor, and Mr. Gupta. Passengers traveling to Calcutta by flight 202. Kindly call at the inquiry counter. Thank you. And final call for Miss Priya, passenger to Calcutta by flight 202. All passengers are requested to proceed to the aircraft. Thank you. जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया।
को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। क्यों काली कमली वाले बाबा, अगर आप ना होते तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाए। काफी ऊंचाई पे आ गिरा, कौन सी जगह है भला? इसे आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा, ओ मगर महाराज यहाँ से दार्जिलिंग जाने के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिलेगी ना? छोड़ दो संसार के मोह को मनुष्य। सत्य वचन महाराज, सारे मोह छोड़ दूंगा मगर एक नहीं। मेरी प्रिया, तू कौन है? मेरा मतलब है आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम नहीं, संख्या है 702। 702? आप हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड है क्या? हमारा नाम रामनाथ कपूर, तुम इधर जाओ। हमारा नाम ताराचंद गुप्ता, इधर जाओ। ओ महाराज, ये लाइन राशन की है या घास लेट की? नहीं, यहाँ अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है, न्याय होता है। ओ, तो यूं कहो ना कि मुझे कचहरी ले आए हो। अरे मियाँ, कसूर ट्रक ड्राइवर का और मैं अंदर, उससे माल खा गए हो क्या? देखो भाई, अगर कचहरी जाना है ना तो दार्जिलिंग चलो, वहाँ अपनी जान पहचान है, जल्दी फैसला हो जाए। वहाँ मरने से पहले न्याय होता है, यहाँ मरने के बाद। वेरी गुड, तो फिर वापस चलो, यहाँ पर क्या काम? इसलिए कि तुम मर चुके हो। देखो हवलदार, मुझे ये गाली गलौज पसंद नहीं है। मनोज, तुम सचमुच मर चुके हो। अरे मरे तेरा बाप, मुझे जवानी में क्यों मारता है? कहां है तेरा इंस्पेक्टर? हमें क्रोध ना दिलाओ, आगे बोले तो मुझे उखाड़ लूंगा। शांत मनुष्य, शांत। देखिए पूजा वर्ग प्रधान संचालक, ये अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करता। तुम मर चुके हो मनुष्य। अरे वाह साहब, आप भी इसके साथ मिल गए? तुम्हें विश्वास नहीं आता? नहीं। मान्यवर चित्रगुप्त, इनकी शंका दूर कीजिए, ये अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करते। आश्चर्य, सतयुग से लेकर आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। तुम्हारा शरीर मृत्यु लोक और आत्मा यम लोक। तो इसका मतलब है कि अपनी घंटी बज चुकी, मैं मर चुका हूं। फिर तो बिल्कुल मारा गया, मेरा क्या होगा, मेरी प्रिया का क्या होगा? भूत की संख्या 702, इंडियन जेम्स बॉन्ड। तुम्हारा नाम संजय कुमार रिफ्यूजी। संजय कुमार रिफ्यूजी, पिता का नाम? लाला बैजनाथ ट्रांसपोर्ट वाले, भाटी गेट लाहौर। बैजनाथ, तरुण कुमार पिता। सब क्या हो रहा है महाराज?
तो तुम कब से मनुष्य विभाग में हो? ये मेरा पहला मनुष्य है पूजा भट्ट। पहले मैं पशु विभाग में था, कुत्ते बिल्लियां लाया करता था। तो तुम इस मनुष्य के प्राण भूल से लाए हो, अभी इसकी मृत्यु नहीं है। अरे स्वामी जी, मैं मरा नहीं। नहीं मनुष्य? हाय हाय स्वामी जी, छा गए नेवर बी पोप पे। परंतु मनुष्य, तुम्हारा शरीर धरती पर है, उसमें फिर से तुम्हारे प्राण डालने हैं। तो जल्दी कीजिए महाराज, वरना अपने शरीर को तो कौवे खा जाएंगे, वो भी दार्जिलिंग के मोटे मोटे। घबराओ नहीं मनुष्य, हम स्वयं चलकर ये काम अपने हाथों से करेंगे। पूज्यवर, इसे दंड दिया जाए। आओ मनुष्य। ये तूने क्या किया? हनुमान बेटा, हनुमान बेटा, बस कर, बस कर, हमें मार दिया था करुणा। मामा जी, आपको रोने की क्या जरूरत है? आपकी जीप के पैसे तो बीमा कंपनी वाले दे ही देंगे। वचन सिंह 300 गया। अरे मोटे कुछ तो शंकर। आए संजय, एक बार तू झूठ मूठ मरा था, आज सचमुच मेरी बहन प्रिया बिन ब्याहे विधवा हो गई। तो सारा हनुमान देखो मामा जी, आप सारा रो रहा है, जब मैं जिंदा था तो एक पैसा मुझे नहीं देता था। हाँ बोल। इतनी जल्दी क्यों चला गया? अरे मैं कहाँ चला गया, तेरे सामने तो खड़ा हूँ। हाँ गले लग जा मेरी यार। तूने क्या किया? अरे सुनता क्यों नहीं हनुमान? ओ हनुमान, स्वामी जी, स्वामी जी, नेवर बिफोर भाई, ना मुझे देख सकते हैं ना मुझे सुन सकते हैं। हाँ मनुष्य, अब तुम केवल आत्मा हो, ये ना तुम्हें देख सकते हैं ना सुन सकते। तो महाराज भड़कन के मुझे मेरे शरीर में डालिए ताकि मैं अपने यार के आंसू तो पूछ सकूं। समस्या बहुत गंभीर है मनुष्य। इन लोगों ने तुम्हारा शरीर जला दिया। अब क्या होगा महाराज? अब तो सप्त ऋषियों में विराजमान महाबली न्याय ये समस्या निवारण कर सकते। तो प्रभु जल्दी कीजिए, वरना उनका ऑफिस बंद हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, कल फिर संडे भी है। चलिए चलो चलिए। महाबली न्याय, आप ही कोई उपाय बताइए। कि इस आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल दिया जाए। संडे। क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ओ महापुरुष हो, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे किसी दूसरे का शरीर नहीं चाहिए, मुझे शरीर चाहिए तो अपना। परंतु मनुष्य, तुम्हारा शरीर तो नष्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूं? कसूर आपका है, गलती आप लोगों के डिपार्टमेंट। शांत मनुष्य, शांत, धीरज से काम लो। अरे छोड़िए स्वामी जी, आप तो कमाल बात करते हैं। अगर इन लोगों ने मुझे किसी दूसरे के शरीर में डाल दिया तो मेरी प्रिया मुझे कैसे पहचाने? सब पहचाने, तुम्हारे स्वरूप ने ही तो यमदूत से यह भूल करवाई है। क्या मतलब? मृत्यु लोक के एक मनुष्य का रूप बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उसी कारण धोखे से यमदूत तुम्हें यहाँ ले आया। तो स्वामी जी, इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे शरीर में डाल देंगे? हाँ। तो फिर मैं कैसे रहूंगा? मैं तो वो हो जाऊंगा। मनुष्य, तुम ही रहोगे। सत्य तो आत्मा है, वही मन है, वही बुद्धि, वही कर्म। शरीर तो केवल मिट्टी है। वो तो ठीक है, मगर स्वामी जी, प्रिया या हनुमान अगर मुझे देखेंगे तो संजय ही समझेंगे ना? अवश्य, तुम्हें जानने वाले तुम्हें संजय ही समझेंगे, परंतु शरीर के कर्म तुम्हें भोग नहीं होंगे। तो एक बात और सुन लीजिए स्वामी जी, अगर वो शरीर मुझे अच्छा लगा तभी उसके अंदर जाऊंगा। अवश्य। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ना बेटे ना, तू वहां मत जाना, वो लोग नीच है, कमीने, उन्होंने दादी माँ जैसी देवी को खसे लिया। उसका भाई प्रेम दोनों इतने जलील हैं कि मैंने बचपन से उनका साया तो ऊपर नहीं पड़ दिया।
और आज तुम उनसे दया की भीख मांगने जाओगी? ठीक नहीं, इंसाफ मांगूंगी, वरना मैं उनकी जान ले लूंगी। प्रिया, दादी, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती, मैं जरूर जाऊंगी। प्रिया, प्रिया, प्रिया! अब फिर आ गई, साहब आपसे मिलना नहीं चाहती, आप अंदर नहीं जा सकते। आज मिलकर ही जाऊंगी, समझ कर रखा है तुम्हारे ठीक है साहब ने। देखिए, अगर आपने जबरदस्ती की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शराब! आहिस्ता बोलिए, ये शरीफ आदमी का घर है। लानत है उसकी शराफत पर, जो दूसरों को इंसान ना समझे, मतलब ही धोखेबाज। अगर मेरा बस चले तो उसे जान से मार डालो। ये लड़की भी टीके को जान से मार देना चाहती है, क्यों ना इसी से फायदा उठाया जाए। मेरे ख्याल से आपके पिताजी बिल्कुल बेकसूर हैं। हाँ, मैंने दफ्तर से अकाउंट्स की डिटेल्स का पता कर लिया है और भैया को भी मना लिया है आपसे मुलाकात करने के लिए। मैं अभी चलती हूँ। अभी नहीं तो फिर आज शाम को। अच्छा, ठीक 7 बजे भैया ने वक्त दिया है मिलने का। मैं जरूर आऊंगी। बोलिएगा नहीं? नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बाय, थैंक यू। अरे वाह स्वामी जी, उड़ान का मजा आ गया। ये कौन सा शहर है भाई? ये कलकत्ता है। ओ, कलकत्ता, ये बड़ा ब्रिज है ना? हाँ, और वो चौरंगी। साहब क्या कर रहे थे? ये कुछ पढ़ रहे हैं सरकार। अच्छा, देखो ग्रैंड होटल में हमारे स्वीट में हमारा सामान पड़ा है, कुछ ले आओ। जी बहुत अच्छा। जय धरती मैया, जय धरती मैया। ये मकान तो बहुत ही अच्छा है महाराज, किसका है? जान जाओ। महाराज, वो आदमी क्या कर रहा है? गोली मारने की तैयारी कर रहा है। किसे? ने भाई को। तुम्हारा चलिए जल्दी पुलिस स्टेशन, इतला कर दे, ये तो जुर्म है। फिर भूल गए? तुम्हें कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। महाराज कुछ तो करना चाहिए। स्वामी जी, और स्वामी जी मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, मेरी तो बात भी नहीं सुनती। ये है मेरी प्रिया। शांत मनुष्य। हेलो मिस प्रिया। हेलो प्रेम साहब, मुझे देर तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई। आइए, भैया लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। ए भैया रुको, स्वामी जी वो तो अंदर जा रही है। जो प्रभु की इच्छा। मिस्टर टीके, टीके साहब, देखिए वो तो प्रिया पे इल्जाम लगा रहा है। पुलिस महाराज, प्रिया को बचा लीजिए, प्रिया को बचा लीजिए महाराज। प्रिया को मैं नहीं, तुम बचा सकते हो। मैं? हाँ। कैसे महाराज?
उस शरीर में प्रवेश करके। मंजूर है महाराज, चलिए जल्दी प्रवेश कराइए। अगर मैंने अपनी सीटी को गोली मारी होती तो कभी ना भागती, बल्कि खुश होती कि मेरे हाथ एक पापी बनी है क्या? अरे अरे प्लीज प्लीज। सुना महाराज, प्रिया इस आदमी से नफरत करती है, वो मुझसे भी नफरत करेगी। अगर तुम प्रिया को जीवन दान देना चाहते हो तो तुम्हें इस शरीर में प्रवेश करना ही होगा। हे प्रभु, मैं कहां फंस गया? गोली बाहर, जाओ प्रवेश करो। जो आ गया महाराज। महाराज नेवर बिफोर। आइए इंस्पेक्टर साहब। यही है वो मुलजिम इंस्पेक्टर साहब जिसने टीके साहब को गोली मारी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। लाश कहाँ? लाइब्रेरी में। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, ये जबरदस्ती मुझे। पता चल जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आइए इंस्पेक्टर साहब। गुड इवनिंग मिस्टर टीके। गुड इवनिंग। आपके भाई प्रेम ने फोन किया है कि आपका खून हो चुका है। जी खून? जी। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और मेरा ख्याल है मिस्टर प्रेम को दिन में भी ख्वाब देखने की आदत होगी। जी आप जरा उन्हें अंदर भेज दीजिए। आई विल जस्ट कॉल हिम। थैंक यू। हाउ इज सिलिया फ्रेंड? सिलिया फ्रेंड यस। प्रेम तशरीफ लाइए। गर्दन से कांस्टेबल इन्हें जाने दो। आई एम सो सॉरी मिस्टर प्रेम। मिस्टर प्रेम की बेवकूफी की वजह से आपको तकलीफ हुई। मिस्टर टीके जिंदा है क्या? वी वेरी सॉरी अबाउट इट। लानत है ऐसे आदमी पर जो दूसरों की इज्जत को इज्जत ना समझे। इससे तो मर जाता तो अच्छा होता। मिस्टर प्रेम इधर आइए। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं सच कहता हूँ भैया, वो लड़की बड़ी शैतान है। उसने आपको जान से मार देने की धमकी दी थी और उसने मुझे बताया क्या आपको क्या हो गया है भैया। आपके गलत कहने पर मैंने उसके बाप को जेल भिजवाया था, इसलिए वो लड़की आपको मार देना चाहती थी। जाओ प्रिया के बाप को फौरन जेल से रिहा कराओ और उनसे माफी मांगो। गेट आउट। शाबाश मनुष्य, ये अच्छी आत्मा की पहली झलक है। मगर महाराज, आपके यमलोक ने तो मुझे प्रिया से और भी दूर कर दिया, अब ये फासला कैसे कम होगा? वो तुम्हारी आत्मा से नहीं, इस शरीर से नफरत करती है। इस शरीर के कर्म तो तुम्हें भोगने ही होंगे, मगर तुम्हारी आत्मा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। कहां चल दिए महाराज? महाराज 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 महाराज। ड्रिंक सर। ड्रिंक? यस सर। नहीं 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 सर, सरकार आप थक गए होंगे, अपने कमरे में आराम कीजिए। तुम आगे चलो। यस सर।
अरे हनुमान छोड़ नहीं यार, सब क्या है? शैंपेन सर। शैंपेन? शैंपेन। यस सर, नो विस्की। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, टुडे सैटरडे सितंबर 18th। मिस अर्ना रीना घोष का टेलीफोन आया था कि वो शाम को पार्टी में आ रही है और मिस्टर जॉन टेलर आपसे मिलने के लिए 3 बजे ऑफिस में आएंगे। सर आज रात की पार्टी में कुछ नए नाम भी होंगे? लिबास पसंद कीजिए सर। तैयार है सर। मैं कौन हूं? मैं कौन? सर आप हमारे मालिक हैं सर। मालिक? जी सर। मैं मालिक? हाँ मालिक, हम सब के अन्नदाता मालिक। मालिक तो तुम लोग सब मेरा हुक्म मानोगे? ये सर मालिक। तो सब लोग गेट आउट। जाते क्यों नहीं? गेट आउट। हमारे लिए एक कप चाय। चाय? गरम चाय। यस मालिक, चाय। यस चाय मालिक। यस मालिक। नमस्ते। चलिए भैया चलिए। कम आगे चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेम, दिस सॉलिसिटर्स आर वेटिंग फॉर यू इन द रूम। ओके। Mr. Ghosh, please come in. Mr. T.J. has arrived. Thank you. Right. Good morning. Good morning. Good morning, Mr. T.J. Good morning, sir. Yeah, office ka rasta kaise bhool gaye?
शंकरलाल का केस खत्म हो गया है ना, इसलिए भैया ने उस बुड्ढे को जेल से रहा करवा दिया। लेकिन वो लोग बहुत ही एहसान फरामोश है मिस्टर टीके, ये शंकरलाल की लड़की आपके बहुत ही खिलाफ है, बात बात पर आपको कोसती। आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, कॉम्पनसेशन दिया, इज्जत दी। मेरी राय यह है कि आप इस मामले पर एक बार फिर से गौर कर लें तो अच्छा हो। ओके टीके साहब, अब हम इजाजत दीजिए। गुड डे सर। गुड डे सर। बाय बेटा। ये क्या मजाक? अब तक तुम्हें मजाक ही लगता है? जी भर गया है मुझसे। कौन हो तुम? ओह, अब ये भी बताना पड़ेगा। जाओ अपना काम करो। अब यही तो मेरा काम है। दो ही दिन में जी भर गया इस माहौल से। तो चलो कहीं बाहर चले। वहाँ क्या, पिछले महीने हम दोनों एक हो गए थे, स्विट्जरलैंड। आजकल तो वहाँ का मौसम भी बिल्कुल खराब। अब क्या कारण है रोने का? आज फिर कुछ हुआ? बुजुर्गों ने ठीक कहा है, घोड़े की पिछाड़ी और माल की अगाड़ी से दूर रहना चाहिए। क्या मैं बीके? अंदर कोई और तो नहीं? अर्चना ही मिले तो ठीक है। क्यों? उनका मूड बहुत खराब है। मूड बहुत खराब है? मेरे मिलने की बात ना होगा, क्योंकि आज वो चीज लाया हो जो बोलती है पैसा पैसा। पैसा ही चीज है, पैसा ही पैसा है, महंगी माल है। रीटा ठीक कहती थी। कौन हो तुम? रिलैक्स माय डियर, रिलैक्स। अगर मूड खराब है तो मूड खराब करने वाली लड़की को चलता करो ना। आपको लड़कियों की कमी क्या है? एक ढूंढो तो हजार मिलती हैं। क्या चाहिए आपको? अपनी अकल की दाद जो रुपया उगलती है। क्यों, कल की रेस खूब बनाई थी ना? जाकी भी अपनी तरफ, ट्रेनर भी अपनी तरफ और माल भी अपनी तरफ। पैसा लाया हूँ सरकार, पैसा लाया हूँ। तो आर वी गोइंग टू द क्लब? हाँ, अभी रेस का प्रोग्राम भी वहीं बना लेंगे। दो घोड़े हैं, इतनी फर्स्ट क्लास डबल कर सकते हैं। ब्लैक ब्यूटी टू वाइट रोज, मॉडर्न सर्टेनिटी। बुकियों को साफ कर देंगे। क्यों बॉस? आइंदा इजलास का पैसा लेके यहाँ नहीं आना। बॉस मेरा प्लान अगर फेल ना होता तो मैं 3 लाख तो क्या, आज मैं 3 करोड़ का मालिक होता। वो जब होगा तब होगा। अब हुंडी की सोचो, प्लान बनाओ, टीके से लो, डाका मारो। आई डोंट केयर, समझे? गुड बाय। अब के मेरा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। इस शरीर के कर्म तो तुम्हें भोगने ही होंगे। हेलो, टीके साहब घर में हैं? जी हाँ, क्या बात है? मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ, उनको फोन पर बुलाइए, दादी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है। जी, फोन होगा सरकार, सरकार डॉक्टर साहब का टेलीफोन। सरकार, दादी माँ बहुत बीमार है।
जी सरकार, बहुत दिनों से बीमार है, आज तबीयत ज्यादा खराब हो गई लगती है। पिछली बातें भूल जाइए सरकार, आज तो आपको चलना ही। ठीक है, मैं डॉक्टर माथुर बोल रहा हूँ। दादी माँ को परसों से 3 दौरे पड़ चुके हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। क्या? मैं भी आता हूँ। गाड़ी बिल्कुल तैयार है, मैं आपका कोट लाता हूँ। ये दादी माँ कौन है? जी सरकार। साहब कहाँ गए? दादी माँ को देखने गए हैं छोटे सरकार, उनकी तबीयत बहुत खराब है। दादी माँ? जी। आज 10 साल के बाद दादी माँ की तबीयत का ख्याल आया है। रामदास। जी सरकार। दादी माँ दूसरे घर में क्यों रहती है? आपसे क्या छुपा है सरकार? सरकार एक बात कहो। आप तो जानते हैं दादी माँ का स्वभाव ज्वालामुखी की तरह है, लेकिन उसकी तह में ममता का अमृत, और ऐसे बुजुर्ग बड़े नसीब से मिला करते हैं सरकार। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। भूल जाऊं? रामदास कुछ याद हो तो भूलूंगा, तुम नहीं समझोगे। दवा पी लीजिए दादी माँ। आग लगे तेरी दवाइयों को, इनसे तो अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए। दादी, दादी माँ। रामदास, अब तू आधी रात यहाँ क्या करने आया? अरे मैं अच्छी भली हूँ, जा घर जा, बाल बच्चे राह देखते होंगे। दादी माँ जरा देखो तो कौन आया है। कौन आया? कौन आ गया? आ गया। क्यों आया यहाँ? तूने तो मेरे मर जाने तक मेरी सूरत न देखने की कसम खाई थी ना? जा, अभी देर है मेरे मरने में। तू चुप रह, जा, जाता क्यों नहीं? अब पुरानी बातें भूल जाइए दादी माँ। रामदास, इसने बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया था, बुरी संगत नहीं छोड़ सका, दादी को छोड़ दिया। अब वो दिन गए जब इसे देखते ही गले लगा लिया करती थी। अगर ये चीट है तो मैं भी कम नहीं। अब बस पी लीजिए दादी माँ, दवा पी लीजिए। हटा परे। कम से कम दवाई तो पी लीजिए दादी माँ। कह दे रहा, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं। दादी माँ, आपको मेरी कसम दवाई पी लीजिए। माओं को दवाइयों की नहीं, औलाद के प्यार की जरूरत होती है। तू आ गया, अब मैं अच्छी हो गई, बिल्कुल अच्छी हो गई, बिल्कुल अच्छी हो गई। कितना बदल गया है, विश्वास नहीं होता कि ये मेरा बंधु है। भगवान की दया, मैं क्या समझूंगी। अच्छा है, आप खुद खत लिखेंगे सरकार? कहिए तो सेक्रेटरी को बुलवा दूं। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ। मेरे
प्यारे दोस्त हनुमान, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। मगर उसके लिए तो मैं मर चुका हूँ। श्रीमान हनुमान सिंह जी, हमें आपके दोस्त संजय की मौत का निहायत ही अफसोस है। चूंकि उसकी मौत के बाद आप ही उनके वारिस हैं, इसलिए 10,000 बीमे की रकम आपके नाम छोड़ गए हैं। आपसे दरखास्त है कि आप फौरन कलकत्ता आ जाएं। हवाई जहाज का टिकट साथ भेजा जा रहा है। हमारा आदमी आपको कलकत्ता लेने आएगा। आपका शुभचिंतक बीमा एजेंट। हाँ संजय, मेरे जिगरी, ये तूने क्या किया? तू सच ही कहता था कि इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं, न माँ न बाप न भाई न बहन। बस साथी हो तो ऐसा हो। हाँ संजय, जब तू ही ना रहा तो मैं 10,000 को क्या करूंगा? हे भगवान, तू ये पैसे मुझसे ले ले और मेरा संजय मुझे दे दे। भांजा बाबू, दिल तगड़ा कर लीजिए, ये पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो रहा हूं मैं। जाओ तुम रिसीव करो। मैं आ जाओ ना। नमस्ते जी, आप ही हैं हनुमान सिंह जी? जी, आप कौन साहब हैं? जी मैं हूँ रामदास। ओहो, आप ही इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं? पिता समान, मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसके लिए उसने सब कुछ किया। क्या हुआ हनुमान सिंह जी? माफ करना, सुबह से नाक बह रही है। चलिए, टीके साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। टीके? कौन से टीके? माता के ये कौन रखे? जी आपके बचपन के। बचपन के? वो तो मैंने लगवाए थे टीकमगढ़ में। जी बड़े साहब आपको लेने आए हैं। ओ, बड़े साहब भी आए हैं। चलिए आप जरा मेरा लोटा उठाइए। अब चलिए मैं लेकर आता हूँ। हनुमान, हाय हनुमान। प्यारे हनुमान। ए, हनुमान, 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 क्या हुआ हनुमान? हनुमान, हनुमान, रामदास, ए रामदास, हनुमान, हनुमान, ए हनुमान, 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 आंखें खोल हनुमान, हनुमान, संजय, हनुमान, मेरी बात सुन। और जब मैं वापस आया तूने मेरा जिस्म जला दिया था। ओ संजय, हनुमान, मेरी पूरी बात तो सुनी। हनुमान, हनुमान, और फिर स्वामी जी ने मेरी शक्ल वाले टीके के जिस्म में मेरे प्राण डाल दिए। हनुमान, मैं वही संजय हूँ, तेरा यार संजय। मेरी आत्मा वही है, सिर्फ जिस्म बदल गया है। समझा? समझा? समझ गया, समझ गया। लेकिन तू संजय नहीं है, तू कोई और है। तो फिर कौन हूँ? तू संजय का भूत है। संजय के भूत,
हनुमान मैं भूत नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ संजय। संजय भूत जी मुझे मत खाना, बात यह है मैं महीने से नहीं नहाया, तुझे बू आएगी। सुन के देख, सुन कैसी गंदी बात। भूत के भूत मैं भूत नहीं हूँ। अबे ओ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरी टूट गई टांगे, टूट गई टांगे, टूट गई टांगे। भूत पापा जी आपको ये सब कैसे मालूम? अबे घंट चक्कर सुन तो सही, मुझे क्या क्या मालूम है। तुझे याद है तेरी टोपी से 10 रुपए उड़ाए थे मैंने? हाँ याद आया। ला मेरे पैसे वापस कर, ला मेरे पैसे वापस कर। और वो भूल गया, मोटू ने भूसा मार के तेरा नाक चबूतरा बना दिया था। हाँ, सब तेरी बदौलत। मेरी बदौलत? हाँ, और तूने मुझे अलमारी में बंद कर दिया था। सब तेरी बदौलत। मेरी बदौलत? नहीं बहन, प्रिया की बदौलत। प्रिया की बदौलत? तू तो अपने मामे की तरह बेवकूफ है। तुम मेरे मामे को भी जानते हो? अरे मामा क्या, मैं तेरे नाने को भी जानता हूँ। आया लाइन पे? मिला संजय, मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं तो तुझे अपने हाथ से जला के आया था। तू कदे का कदा ही रहा। अच्छा एक काम कर, मुझे यमलोक वाला किस्सा एक बार फिर सुना दे। यमलोक वाला किस्सा फिर सुना दूं? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अरे संजय, अरे मेरे चिकरी दो, अरे अरे इसे तुम्हारा चलाना पड़ेगा, मेरे पास तो लकड़ी के भी पैसे नहीं है। अरे ये तो सच गया। अरे अरे क्या हो गया? ओ मर गए, फिर उसी कमरे में आ गया। ये घर है ये सत्तर सत्तर। अरे कमरे कौन हो तुम? ओए जबान संभाल के बात करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हनुमान, संजय का दोस्त। संजय? कौन संजय? इस घर का मालिक। ए कोई है? तो कहाँ मर गए सब लोग? हुक्म सरकार। सुनो इस कबूतर को दाना खिलाओ और धक्के मार के बाहर निकाल दो। देवीलाल ये सब क्या है? गुस्ताखी बात छोटे सरकार, बड़े सरकार के दोस्त हैं। दोस्त? कल ही दार्जिलिंग से आए और आप बड़े सरकार के छोटे भाई। क्या कहा? छोटे भाई? ये पेड्रो? आई सी, अभी भी गोद लिया होगा। एनीवे आज से तुम मेरे दोस्त हो। एक मिनट, भाई ने इस घर को चिड़ियाघर बना रखा। सुनो जरा मेरे लिए एक कप चालू चाय लाओ। अभी ला सका। क्या बात? अरे कुछ नहीं यार, मैं तुम्हारी यमलोक वाली कहानी सुना रहा था। ये तुम्हारा गधा नौकर मानता ही नहीं। अबे बेवकूफ, इस बात की पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? चल चल प्रिया के पास चलेंगे। प्रिया के पास? वेरी गुड, मैं उसी को सुनाऊंगा ये कहानी, वही तो एक बुद्धिमान है मेरी तरह। अबे घन चक्कर, सारा किया थोड़ा मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर मेरी बहन की जिंदगी मिट्टी में मिल गई तो? तू नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा, कभी नहीं मानूंगा। तो बुलाता हूँ स्वामी जी को। अरे तेरी आत्मा को कुत्ते के शरीर में डाल दूंगा। कुत्ता? अरे संजय ऐसा नहीं करना, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी वाले मुझे उठा के ले जाएंगे। तो बोल, नहीं बोलेगा ना? नहीं, मैं साथ में नहीं निकलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगा डुबकी, बजा तैयार। अरे संजय, अरे पानी गिरे। किसे खत लिखा जा रहा है बेटे? ये लंबे लंबे खत लिखने की बजाय तुम उसे दो लाइन का तार दे दो, लिख दो के फौरन से पेश करा करके मेरे डैडी से मिलो। ये आजकल के छोकरे बड़े उल्लू के पट्टे हैं, खाम खा लड़की के बाप से डरते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोको। अगर प्रिया ने मुझे ठीक से समझा तो
भैया मैं सचमुच आ गया हूँ, आंखें खोलो ना। नहीं, तुम संजय की छाया हो, आंखें खोलते ही ओझल हो जाओगे। पलकों में कैद ही रहो तो अच्छा है। देखो तो सही प्रिया, you
आजकल ही में। काफी देर से हो तुम और दूर खड़े तमाशा देखते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ। और अब यहाँ तुमसे बहुत दूर। आज कितना अच्छा दिन है, मैं और डैडी तुम्हें याद ही कर रहे थे और तुम्हारे। तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, अगर तुम ना आते तो मैं उनको तुम्हारे पास दार्जिलिंग लेकर आने ही वाली थी। दार्जिलिंग? प्रिया दार्जिलिंग तो मुझसे हमेशा के लिए छूट गया। चलो अच्छा हुआ। मगर जो दार्जिलिंग में था वो यहाँ नहीं है प्रिया। यहाँ भी हो जाएगा? कैसे? डैडी तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे, ठीक है क्या ऑफिस में? वहाँ? तो क्या हुआ, तुम्हें काम से मतलब है? उस नीच कमीने से क्या? नीच कमीना? हाँ बहुत कमीना है, सच कहती हूँ। अगर पिछले दिनों तुम यहाँ होते और हमारी हालत देखते तो गला घोट देते उसका। काश मैं उसका गला घोट सकता। छोड़ो, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते। आओ घर चले। नहीं प्रिया, अभी नहीं, मैं कुछ बन जाऊं फिर डैडी को मिलने जाऊंगा। और तब तक? तब तक हम मिला करेंगे। कहाँ? यही हर रोज इसी वक्त आओगी ना? किताबों और कहानियों में चुका करता है बेटी, हकीकत में नहीं। ओ डैडी, एक बात बताऊं, वो आपका जिसे आप उल्लू का पट्टा पुकारते हैं ना, वो कलकत्ते आ गया है। पार्क में तुम्हारे साथ कौन था? वही तो था संजय। वही संजय था? हाँ डैडी, वो यहाँ ना आ सका, कहने लगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे डैडी से नहीं मिलूंगा। यकीन नहीं आता इसलिए कि वो संजय नहीं था। ओ डैडी, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि जो पास में मेरे साथ था वही संजय था। लेकिन बेटा, तुम्हारा संजय संजय के अलावा कुछ और भी है। ऐसी रौनक मैंने जिंदगी में नहीं देखी। राजा, तू तो कलकत्ते का राजा है राजा। आहा हा, सारे के सारे लहसुन आ गए हैं। आपका इशारा देखूं तो आसामियां काटना शुरू कर दो, एक के दस तक दे। प्रेम, सेठ मूलचंद आया हुआ है, हुंडी की बात कर रहा था। सिर्फ 7 दिन बह गए हैं। तुम फिक्र मत करो, बंदोबस्त हो जाएगा। तुम इसका बंदोबस्त करो,
मैं अपना बंदोबस्त करता हूँ। Am I right, मम्मी? क्यों भाई संजय, दार्जिलिंग में तो मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाता था और यहाँ इतने सारे लोगों को खाने पे बुलाया, झूठ मूठ का गरीब बनता था। हनुमान, ना वो झूठ था ना ये झूठ है। क्या? हाँ दोस्त, सच तो ये है कि तू हनुमान है, मैं संजय, और हम दोनों अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे। कम जाने हनुमान, कम वो इतनी। हो, मुझे मेरे कर्म तो अच्छे मालूम होते हैं। कम ऑन कबूतरी। उसके पास में एक तो भालो जमीन 2000 एकड़ 50% लेक, काल खरीदो तो काल और आज खरीदो तो आज। सुबह मुंह दुखड़ा हुआ था, अब ठीक है, जाओ जिंदगी बन जाएगी। गुड लक। प्लीज अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। क्या कारण है रोने का? डीके एक का नहीं, सबका है रीचा, इन सब लड़कियों का जो टीके को पसंद है। उसकी पसंद तुम कब से करने लगी हो? सच बताओ, मेरा असली काम है। हमको विश्वास है कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। एक तो स्वीट प्रपोजल है, हम चलता है। मैं जानती हूँ टीके साहब। कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं किसी दूसरे की जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसी झूठी कहानी आप पहले भी कई बार सुना चुके हैं। यकीन मानो प्रिया, वो सब सच थी। अब तो कमबख्त सच भी मेरे बस में नहीं रहा। आपने झूठ बांटा है, अब झूठ ही बटोरी है। इस पर यकीन करने की फुर्सत मुझे नहीं है, चले जाइए यहां से। कमबख्त ने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर मुझे मालूम होता तो टीके का जन्म ही नहीं देता। खुद गर्ज, जलील, वैश्य। क्यों पूछते हो अपने आप को? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार।
गेट आउट। आई से आज ये अनोखा बर्ताव क्यों? मूड खराब है, उसी का इलाज तो मैं हूँ। तुम ही तो कहा करते थे मेरी सारी परेशानी। कैसी हैं आप? मेरी छोड़, अपना हाल बता। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। क्या बात है, तू क्यों छुपाता है मुझसे अपने दिल की बात? कुछ नहीं दादी, ऐसा लगता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। क्यों रे, मैं मर गई हूँ क्या? ऐसा ना कहिए दादी माँ, मैं तो पछता रहा हूँ इस शरीर में आकर, इस दुनिया में आकर। आज मैं बहुत खुश हूँ, एक लड़की ने तेरे दिल में इतना दर्द इतना प्यार तो भर दिया। पता तो सही वो कौन है? है कोई दादी माँ जो मुझसे नफरत करती है, मेरे शरीर की परछाई तक से नफरत करती है। नहीं बेटे, उसे नफरत होगी तुम्हारी बदनामी से, तुम्हारी बुरी दौलत से, तुम्हारी बीती हुई जिंदगी से। तो मैं क्या करूं दादी माँ, मैं जिंदगी से खुद परेशान हो गया, गुजरा हुआ जमाना मेरे माथे पर कलंक बन गया है। ठो डाल उसे, जिस दौलत की लालच ने तुझसे बुरे काम करवाए उस दौलत को बेगरज होकर बांट दे। ये दौलत तो एक जन्म की साथी है बेटा, पर दुखियों की असीसें जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगी। हमारी सबकी तरक्की, इस हमारी तरक्की के साथ साथ हमारे देश की भी तरक्की। इन चंद लफ्जों के साथ मैं ये कह सकता हूँ, मिलजुल के साथ रहे और हम सब का भगवान भला करें। भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने जो कुछ भी आपको दिया है यकीन मानिए वो मेरा नहीं, वो आपका है। आपने मेहनत की, वही पैसा आपको लौटा दिया गया। मेरी आपसे और भगवान से प्रार्थना है इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए ताकि हमारे घर हमारे बाल बच्चे और सुख से रह सके। नमस्कार। बिहारली कोयना नगर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट अनाथ आश्रम। क्यों बे, एक तो लेने दो। आधा भी नहीं, ये सारा पैसा भगवान का है। भगवान का? जी हाँ। तुम्हारा मतलब है भगवान के पास ही ब्लैक का पैसा है क्या? लेकिन मेरे 10 रुपए कब दोगे?
तुम्हारे 10 रुपए तो अपनी कमाई से दूंगा। तुम्हारी कमाई से? जी हाँ, सब मिल चुके हैं। भैया आइए, एक और आ गए। हाँ प्रेम आइए। अच्छी सी भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम। हाँ कहो। लेकिन ओ रावत, इससे कुछ छुपा नहीं। भैया मुझे 3 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। व्हाट? 3 लाख? अपने खर्चे के लिए हुंडी पे लिया था, परसों वापस करना है। मुझे अफसोस है प्रेम, मैं कुछ नहीं दे सकता। श्रीमान जी, ये भगवान का पैसा है। जब इस हनुमान को नहीं मिला, इस रावण को कहां से मिलेगा? चल भैया, जरा सोचिए, ये पैसा आपकी मेहनत और मेरी ईमानदारी से इकट्ठा हुआ है। आप इसे बांट रहे हैं, मैं पूछ सकता हूं ऐसा क्यों? तुम जा सकते हो। प्रेम भाई साहब, गुस्ताखी माफ, मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूं। कल सुबह बहुत सा पैसा भिखारियों में बंटने वाला है, आप भी भेष बदलकर भिखारियों की लाइन में खड़े हो जाइएगा, थोड़ी बहुत वसूली हो जाएगी। हनुमान मैं जरा एक मिनट अब जाओ, अब नहीं आएगा। एक गिलास ठंडा पानी पियो, आ जाए। ये पढ़ा आपने? क्या भैया का तो दिमाग खराब हो गया, सारी दौलत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए। दौलत मिट्टी ही तो है प्रेम। मिट्टी आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मैं अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत को इस तरह लूटते हुए नहीं देख सकता। बकवास बनकर कौन सी कमाई है तेरी? चालबाजी और बेईमानी को मेहनत कहता है? याद कर, माँ बाप इतना सा छोड़कर चल बसे थे। बहुरानी और मैंने तुझे बट्टू की तरह पाला, और बट्टू ने तुझे भाई समझकर अपने बाप की दोस्ती का फर्ज अदा किया है। मैंने भी तो इस कारोबार को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना एक किया है। एक नहीं बल्कि खून से खून को अलग किया है। अपने काले कारनामों में बट्टू को फंसाकर मुझसे अलग कर दिया। अब वो सुधर रहा है, इसलिए तेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्यों? दादी माँ, खबरदार जो मेरा नाम लिया, नालायक, निकल यहाँ से। अच्छी बात है। ए कैपिटलिस्ट टर्न सोशलिस्ट, या मेरे ख्याल से एक संगदिल अमीर रहमदिल इंसान बन रहा है। क्या ख्याल? अच्छा सुन, सबको बोनस दे रहा है, दान धर्म कर रहा है, मुझे भी तो कुछ दे। आपको क्या चाहिए? एक अच्छी सी बहू। बहू कहां से लाऊं मैं? क्यों, प्रिया को भूल गया? हनुमान, हनुमान जी, ये प्रिया कौन है? मैं क्या जानू? क्या मेरा मतलब है, माँ बाप खानदान नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो संजय की जान है, संजय पर कुर्बान है, भोली मुस्कान है। ये संजय कौन है? आपका ठीक है, मेरा संजय। अच्छा अच्छा, ये प्रिया रहती कहाँ है? ओ, कलकत्ते में। कलकत्ते? कलकत्ते में? माँ जी, ये प्रिया अपने शंकर लाल जी की बेटी तो नहीं? शंकर लाल जी? शंकर लाल है जी? हाँ। अरे बाप, माँ जी, रिया, रिया। प्रणाम माँ जी। जी तेरे को धन्य भाग हमारे जो आपकी तरह दिखाने पड़े। बैठो। आपने खुदा ने का कष्ट क्यों किया माँ जी, मुझे फोन कर दिया होता मैं भारत। बस बैठ। नमस्ते शंकर लाल जी। अरे अच्छा हूँ रामदास जी। अच्छा प्रिया आ जाए बेटे। आशीर्वाद दो दादी माँ से, इन्होंने तुम्हें गोद खिलाया है। जीती रहो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है ना शंकरलाल? वही नाक नक्शा, उसकी तरह अच्छी रसोई भी बनाती है या आजकल की छोरियों की तरह लाली पाउडर में ही डिग्री ली है? बनाती है माँ जी, बनाती है। तो जा मेरे लिए एक प्याली चाय बनाना। मगर आप तो चाय पीती नहीं माँ जी, आपके लिए कुछ और बनो। आज मैं प्रिया के हाथ की चाय पीऊंगी। बैठ।
मेरे बाल सफेद हो गए पर अकल नहीं आई। रामदास। हाँ माँ जी। जानता है मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? जानता तो नहीं हूँ पर समझ जरूर सकता हूँ। तो फिर बका क्यों नहीं मुझसे आकर? बात ये माँ जी छेप लगे, कहीं दिया भी सूरज की बराबरी कर सकता है। ओहो, तू तो अपनी शादी की वक्त भी यही रटन लगाया था, कहीं दिया भी सूरज की बराबरी कर सकता है। अगर मैं जोर न लगाती तो कुंवारा ही होता अब तक। चल जा। हाँ भाई। तू बट्टू से दार्जिलिंग में मिली थी ना? कौन बट्टू? तेरे बाप को दूसरे कमरे में इसलिए भेजा है कि तू शर्म न करे। मुझसे क्या छुपाती है? वो मिली थी ना? लेकिन वो तो वही तो मेरा पोता है, मैं उसे प्यार से बट्टू कहती हूँ। तुम्हारे भाई हनुमान ने सब कुछ बता दिया। हनुमान? हनुमान उसे संजय बुलाता है, माँ बाप पप्पू बुलाते थे, दफ्तर में टीके है, उसका एक नाम थोड़ी है, कहीं चेयरमैन कहीं प्रेसिडेंट कहीं कुछ। लेकिन बेटा, तूने हमारे खानदान के एक फटके को रास्ता निकाला। तूने वो काम किया है बट्टू को बदल के जो मैं न कर सकी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बात क्या है तुम दोनों में? वो उदास उदास क्यों है? आज अलूल जलूल भी बक गया, बोला मैं लाश हूं। बेटी, मेरा मन बहू देखने को तरस रहा है और उसका तुम्हें, उसकी न मानेगी तो क्या मेरे भी नहीं? लीजिए चाय पी लीजिए दादी माँ। प्रिया, बात आपकी तारीफ जी जी। क्या मजाक है तुम? मैं हर रोज घंटों तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ और हार कर लौट जाता हूँ। तो आज क्या इरादा है? आज तुम जो आ गई जी। मैं मैं तो ऐसी बात की सैर करने चली आई। बड़ी खुश नजर आ रही। बात जो खुशी की है भी तो सुने। आज कोई घर आए थे हमसे मिलने। कौन? हमारे करीबी रिश्तेदार, बहुत ही करीबी रिश्ते की ही बात करने आए थे डैडी से। तो बात पक्की हो गई? पक्की ही समझो। शादी की तारीख कब पक्की हो रही? बहुत जल्द। आना मिठाई खाने, आओगे ना? तो तुमने फैसला कर लिया? क्या करे, करना ही पड़ा, हिंदुस्तानी लड़की से ठहरी। कौन है वो खुशनसीब जो तुमसे शादी कर रहा है? बोलती क्यों नहीं? ये सब दादी माँ से पूछना। जी दादी माँ। जी दादी माँ। बट्टू जी। बट्टू? कि मुझे हमेशा इसी तरह के पास रखोगे। सच्चा है गल प्यार मेरा सनम, ओके जहां तुम
गए हम, ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। अजब सा राज है ये, अजीब बात है ये, अजब सा राज है ये, अजीब बात है। अपना प्यार तब से है जब से कायनात है। प्रिया प्रिया, मर के भी ये प्यार हो कम, होगे जहां तुम वहां होंगे हम। ओए ओए, सच्चा है घर प्यार में रासनम, होगे जहां तुम वहां होंगे हम। श्रीमती कमला सक्सेना आपसे प्रार्थना करती है कि आप उनके पोते जी के सक्सेना और कुमारी प्रिया खन्ना के शुभ विवाह पर पधार कर दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दें। जी के ने तुम्हें अपनी शादी पर बुलाया। बस करो प्रिय, मैं जानती तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन तुम फिर भी टीके की वफादार सेक्रेटरी बनी रहोगी। वो टीके जिसने प्रिया के लिए तुम्हें पुरानी फाइल की तरह मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो फिर देख लो रीटा क्या कर सकती है। यस रीटा, मैंने आज तक तुम्हारी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं भी इंसान हूँ प्रिया जैसी। तो तुम प्रिया की बराबरी कर रही हो? नहीं, प्रिया मेरी बराबरी कर रही है। रीटा, सच्चाई कड़वी लगती है ना, लेकिन मैं सच को कैसे झुठला दूँ। वो तुम ही थी ना जिसने कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं खेलूंगा। रीटा रीटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो मैं नहीं था कोई और। ओह बहुत खूब, तो अपने आप को भी पहचानने से इनकार कर रहे हो। हाउ क्लेवर। यकीन मानो रीटा, मैं टीके नहीं, टीके मर चुका है। लेकिन मेरा टीके जिंदा है। गुजरे हुए दिनों को भुलाने की कोशिश मत करो। मत भूलो कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी, और उस शादी का सर्टिफिकेट अब तक मेरे पास है। मैं आज तक खामोश रही,
लेकिन अब इस सारी दुनिया को कह दूंगी कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर अब भी मुझे खामोश देखना चाहते हो तो घर आके फैसला कर सकते हो। आज रात ठीक 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सो लॉन्ग माय डियर हस्बैंड, बाय बाय। ये कौन से पाप की सजा दे रहे हो? मुझे उम्मीद थी तुम जैसे कोई ना कोई जरूर आएगी। चलिए कह डाली। उसने कई रातें मेरे साथ बिताई। जरूर बिताई होंगी। और आज रात को भी वो मेरे साथ होगा। मैं सच कह रही हूँ। भला आप झूठ बोल सकती हैं? नहीं। अगर मिलने को जी चाहे तो इस पते पे तलाश करना। आज रात को 8 बजे। अपने घर में अजनबी बने खड़े हो? ये सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ रीटा पर आई है ना? आओ बैठो। आओ ना। विस्की? नहीं। शैंपेन? थैंक यू। क्या जादू किया है प्रिया ने कि मेरा टीके शराब और रीटा दोनों को भूल गया। सचमुच रीटा हार गई। लेकिन इसे अपनी जीत न समझना टीके। तुमने मेरा प्यार बेच के प्रिया को खरीदा है और अब अपने आप को बेच दिया है ताकि प्रिया को उसकी कीमत दे सको। रीटा, मुझे समझने की कोशिश करो। रीटा, समझने की कोशिश में ही तो धोखा खा गई टीके। मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल लेके अब मुझे ठुकरा देना चाहते हो? सर का ताज बिरा के जूते की तरह फेंक देना चाहते हो? नहीं 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 रीटा, ये बात नहीं। तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकोगे कि मैं क्या था, कौन था और क्या हो गया। मेरे बस में कुछ नहीं रीटा, कुछ नहीं। बस इतनी सच्चाई है मेरे बस में कि मैं एक अच्छी आत्मा और बुरे जिस्म के मेल जोल की कश्मकश में कुदरत से लड़ रहा। रीटा, कुदरत का ये मजाक मैं किसी को सुनाऊंगी तो मुझ पर हंस देगा। मैं गुजरे हुए वक्त की परछाई हूँ रीटा, अपने वजूद को ढूंढ रहा हूं। मिल जाए तो तोड़ डालूं उसे ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। रीटा, तुम नहीं जानती कि मैंने प्रिया को कितनी मुश्किलों से हासिल किया है। मेरे प्यार के सामने तो आसमान भी झुक गया है रीटा। फिर तुम इतनी बेरहम क्यों हो? भगवान के लिए मुझे आजाद कर दो। आजाद कर दो? किस लिए? आज तक मैं तुम्हारे जाले फंसी हुई थी, अब तुम फंसे हो। मुझे इसी दिन का इंतजार था। मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा रीटा? मेरी बर्बादी की कीमत
तुम्हें अय्याशी के लिए जिस्म चाहिए था और मुझे जीने के लिए सहारा। मैंने इसलिए तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से शादी की थी। दौलत जितनी जी चाहे ले लो रीता, ये देखो ये देखो। शादी के कागजात, तुम्हारी आजादी। बहुत बहुत शुक्रिया रीटा। जाने मत, मैं भी आती हूँ। मुझे तो प्रेम पे शक है। पॉसिबल, मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। विल डू आवर बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। ड्राइवर घर चलो। देखने से पुलिस स्टेशन बुलाया क्यों? भगवान जाने दादी। बट्टू तो आ गए बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी। कुछ होने वाला था क्या? नहीं तो भैया, नहीं तो। तू पुलिस स्टेशन क्यों गया था? प्रिया को देख ले, उसने रीता का खून कर दिया। प्रिया ने? प्रिया ने? अच्छा ही हुआ प्रेम, मुसीबत टरी जान छूटी। देवीलाल विस्की लाओ। सरकार आपने तो विस्की पीना बंद कर दिया था। सरकार विस्की लाओ। भैया दादी माँ के सामने? इनके सामने ही तो पीना चाहता हूँ। खुशी का दिन जो है। क्या? जी हाँ, बेवकूफ औरतें, दोनों ने अपने आप को मेरे लिए खत्म कर दिया। इससे अच्छा और दिन कौन सा हो सकता है? बट्टू क्या बकता है? चिल्लाइए मत, अगर ये सब पसंद नहीं तो आप जा सकते। कमीने चांडाल, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। रुपया कहीं का, अपने आप को संजय कहता है, थू है तुझ पर। ठहरिया दादी माँ, मैं भी चलता हूँ। देवीलाल, देवीलाल तुम लोग भी जा सकते हो। क्या डाउट? प्रेमी विस्की पिला यार। अभी लाता हूं भैया, अभी ला। Cheers. प्रेम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर तुम ना होते तो न जाने मैं जिंदगी में कहां से कहां पहुंच जाता।
शुक्रिया भैया, आपने मुझे अपना तो जाना। अरे पगले, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ? तेरा मेरा तो खून का रिश्ता है, और फिर खून कभी छुपता है। मगर मुझे रीता का बहुत अफसोस है। आप तो गए होंगे भैया उसके घर, इसीलिए तो खूनी अपना काम कर गया। मेरा मतलब है, अगर प्रिया मुझे देख लेती तो शायद रीता बच जाती। खैर छोड़ो, आज तो मेरा और तुम्हारा दिन है, फिर से पुरानी महफिल सजा दो तो फिर हो जाए बंदोबस्त। ऐसा बंदोबस्त प्रेम, जैसे ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। नेवर बिफोर। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स अबाउट। लेकिन टीके को अंदर तो इट्स ऑलराइट, मैं खुद ने ले जाऊं। गुड नाइट फॉक्स, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। कल सुबह अखबारों में सुर्खियां हो, टीके साहब जलकर
मर गए। प्यारे भैया, भाई के सारे फर्ज सर अंजाम दे रहा हूं। अग्नि संस्कार करना भी तो मेरा फर्ज है, लो उसे भी पूरा। मिस्टर प्रेम, यो आर अंडर द लच। आप काम ना। रुक जाओ मिस्टर प्रेम। Thank you.
तुम इधर से जाओ, तुम उधर से आ जाओ। रीटा भी तुमसे मिल गई, मैंने उसका खून का डाला, मैंने उसका खून का डाला, मैंने उसका खून का डाला, मैंने उसका खून का डाला। आई हेट यू, आई हेट यू। मिस्टर प्रेम को अरेस्ट कर लो। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू इंस्पेक्टर। तुम बड़े भाग्यवान। स्वामी जी आप, महाराज मैं इस जिंदगी से बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरी मुक्ति कर दीजिए। तुम इस शरीर के कर्म भोग चुके हो। तो अब क्या होगा महाराज? तुम अपनी प्रियतमा के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजारोगे। जाओ, यम लोक का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सच महाराज? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई संजय, हाँ? तू किससे बातें कर रहा था? अरे अपने स्वामी जी आए हैं ना। स्वामी जी? हाँ, यम लोक वाले। हाँ, अच्छा अच्छा। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी कहाँ है? अरे ये क्या है, कहाँ है? भूत, तू फिर भूत से बातें कर रहा था? नहीं हनुमान, भूत बाबा जी। हनुमान कैसे समझाऊं? हनुमान, हनुमान दादी। संजय जरा सुनना। क्यों भाई संजय, तुमने सब कुछ तो दान में दे दिया, मेरे 10 रुपए कब देगा? तेरे 10 रुपए ऊपर चल के दूंगा। स्वामी जी के पास? हाँ। नहीं नहीं भूत पापा जी, मैं नीचे ही ठीक हूँ, मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए। अरे तू कहाँ चल दिया? क्यों भाई, जहाँ राम और सीता वहाँ हनुमान, मैं हूँ आपका राम भक्त हनुमान। चलो प्यारे। अच्छा भाई कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया।